सत श्री अकाल, मैरी नाल तिमान तुसीं देख रहे हो डी फाइव चैनल पंजाबी। तो इस वेले दी वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस मामले दे विच गिरफ्तार किए हुए शूटरां दा लगातार रिमांड हासिल किया जा रहा है। उत्थे ही अंकित सिरसा सचिन भिवानी नूं कल मानसा लिया गया सी ट्रांजिट रिमांड ते, जिस तों बाद अज उन्होंने मानसा की अदालत में पेश किया गया, जिथे कि उन्हों का 8 दिनों का पुलिस रिमांड दे दिया गया। 8 दिन पुलिस वालों इस मामले दे विच पूछ पड़ताल इन्हां दोवें शूटरां तो की जाएगी। 23 जुलाई में मुड़ तो अदालत में पेश किया जाएगा। सो दस दिए कि अंकित सिरसा वही शूटर है जिसने सब तो करीब आके सिद्धू मूसेवाले ते गोलियां चलाईयां सी, जिसनों कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस तों बाद मानसा पुलिस के वालों उन्हां दा ट्रांजिट रिमांड हासिल करके उन्होंने अज अदालत में पेश किया गया। सब तो पहला उन्हां दा मैडिकल करवाया गया। मैडिकल करवाउण तों बाद उन्हां नूं अदालत में पेश करके उन्हां दा रिमांड मंगया, जिस तों बाद अदालत वालों उन्हां दा 8 दिनों का पुलिस रिमांड दिता गया। सो एक बार फिर तुम दस दिए कि इस वेले की वड्डी खबर सामने आ रही है, सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी हुई यह खबर है कि पुलिस वालों लगातार इस मामले दे विच पूछ पड़ताल जा रही है। उत्थे ही अंकित सिरसा और सचिन भिवानी नूं भी मानसा लिया गया, जिस तों बाद अज उन्हां नूं मानसा की अदालत में पेश किया गया, क्योंकि अंकित सिरसा वही शूटर है जिसने सिद्धू मूसेवाले दे सब तो करीब आके उसने गोलियां मारी थी। सब तो छोटी उम्र का यह शूटर है जिसने कि पहला कतल ही सिद्धू मूसेवाले का किया, जिस तो बाद इन दियाँ वीडियो भी लगातार सामने आई हैं, क्योंकि इन्हें तस्वीर भी सोशल मीडिया से वायरल हो रही थी। उस तो बाद पुलिस वालों गिरफ्तार किया जाता, जिस तो बाद मानसा वालों इन्हों मानसा पुलिस वालों इन्हों मानसा लिया जाता, तो अज अदालत में पेश करके इन्हों का रिमांड हासिल किया जाता। तो हुण 8 दिन पुछ पड़ताल लगातार जारी होगी, देखना होगा कि सिद्धू मूसेवाले कतल मामले में इन दोवें शूटरों के वालों होर की वड्डे खुलासे वह किए जा सकते हैं। तो अगली इन्हों जो पेश किया जाएगा वह 23 जुलाई में मुड़ तो अदालत में पेश वह किया जाएगा। सत श्री अकाल, मैरी नाल तिमान तुसीं देख रहे हो डी फाइव चैनल पंजाबी। तो इस वेले की वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस मामले दे विच गिरफ्तार किए हुए शूटरां दा लगातार रिमांड हासिल किया जा रहा है। उत्थे ही अंकित सिरसा सचिन भिवानी नूं कल मानसा लिया गया सी ट्रांजिट रिमांड ते, जिस तों बाद अज उन्हां नूं मानसा की अदालत में पेश किया गया, जिथे कि उन्हां दा 8 दिनों का पुलिस रिमांड दे दिया गया। 8 दिन पुलिस वालों इस मामले दे विच पूछ पड़ताल इन दोवें शूटरों तो की जाएगी, 23 जुलाई में मुड़ तो अदालत में पेश किया जाएगा। सो दस दिए कि अंकित सिरसा वही शूटर है जिसने सब तो करीब आके सिद्धू मूसेवाले ते गोलियां चलाईयां सी, जिसनों कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस तों बाद मानसा पुलिस के वालों उन्हों का ट्रांजिट रिमांड हासिल करके उन्होंने अज अदालत में पेश किया गया। सब तो पहला उन्हों का मैडिकल करवाया गया। मैडिकल करवाने बाद उन्होंने अदालत में पेश करके उन्हों का रिमांड मंगया, जिस तों बाद अदालत वालों उन्हों का 8 दिनों का पुलिस रिमांड दिता गया। सो एक बार फिर तुम दस दिए कि इस वेले की वड्डी खबर सामने आ रही है, सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के जुड़ी हुई यह खबर है कि पुलिस वालों लगातार इस मामले के पूछ पड़ताल जा रही है। उत्थे ही अंकित सिरसा और सचिन भिवानी नूं भी मानसा लिया गया, जिस तों बाद अज उन्होंने मानसा की अदालत में पेश किया गया, क्योंकि अंकित सिरसा वही शूटर है जिसने सिद्धू मूसेवाले दे सब तो करीब आके उसने गोलियां मारी थी। सब तो छोटी उम्र का यह शूटर है जिसने कि पहला कतल ही सिद्धू मूसेवाले का किया, जिस तों बाद इन दियाँ वीडियो भी लगातार सामने आई हैं, क्योंकि इन्हें तस्वीर भी सोशल मीडिया से वायरल हो रही थी। उस तों बाद पुलिस वालों गिरफ्तार किया जाता, जिस तों बाद मानसा वालों इन्हों मानसा पुलिस वालों इन्हों मानसा लिया जाता, तो अज अदालत में पेश करके इन्हों का रिमांड हासिल किया जाता। तो हुण 8 दिन पुछ पड़ताल लगातार जारी होगी, देखना होगा कि सिद्धू मूसेवाले कतल मामले में इन दोवें शूटरों के वालों होर की वड्डे खुलासे वह किए जा सकते हैं। तो अगली इन्हों जो पेश किया जाएगा वह 23 जुलाई में मुड़ तो अदालत में पेश वह किया जाएगा। कैमरामैन शंकर के नाल रीना तिमान की रिपोर्ट डी फाइव चैनल पंजाबी। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल, लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे डी फाइव चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।